उसके बाद उपकार आहूजा साहब आए, उन्होंने थाईलैंड का एग्जांपल दिया कि वहां तो बनी बनाई इंडस्ट्री है, प्लग एंड प्ले, 2 मिनट के अंदर वहां इंडस्ट्री को। मैं चैलेंज करता हूं किसी मंत्री से पूछ लो अगर उसको, मेरे को भी नहीं पता था, किसी को नहीं पता, आप ही लोगों को पता है। और उपकार साहब का एक स्टेटमेंट मेरे को बड़ा अच्छा लगा, उन्होंने कहा कि अगर हमें मौका मिले तो, कह रहे हैं ना कि लुधियाना मैनचेस्टर है दुनिया पंजाब का, कहते हैं मैनचेस्टर को भी पीछे छोड़ देंगे। ये विश्वास और ये विजन ये आप ही लोगों का। मैं सबकी बात सुन रहा था, भूपेंद्र ठुकराल साहब आए टेक्सटाइल इंडस्ट्री के, उन्होंने रोड्स के बारे में बात की, पावर कट्स के बारे में बात की। अमरजीत सिंह जी आए होटल इंडस्ट्री से, फिक्स चार्जेस के बारे में बात की, इंडस्ट्री इंटरेस्ट फ्री लोन्स के बारे में बात की। गुरप्रीत सिंह जी आए फ्रूट एंड वेजिटेबल से, उन्होंने कई सारे सुझाव दिए। विशाल जी आए, रोहित जैन जी आए। मेरा एक सुझाव है, किस्म किस्म की समस्याएं हैं हर इंडस्ट्री की, अलग अलग, कुछ कॉमन समस्याएं हैं और कुछ अलग अलग समस्याएं हैं, और विजन है आप लोगों का, आप लोगों के सपने हैं, आप लोगों ने अपनी अपनी इंडस्ट्री को जिया है कि अगर सरकार बनती है, अगर नहीं बननी चाहिए सरकार, बनेगी ना, जब सरकार बनेगी तो एक पैनल बनना चाहिए आप लोगों का, रेस्पेक्टिव इंडस्ट्री से एक एक दो दो नुमाइंदे होने चाहिए। वो पैनल मुख्यमंत्री के साथ हर 15 दिन में मिले और वहां जो भी कंसर्न्ड ब्यूरोक्रेट्स हैं वो सारे बैठे हों, और वहां पे जो जो निर्णय लिए जाएं वो निर्णय कमांड की तरह इंप्लीमेंट किए जाएं। नहीं तो आप अपने मेमोरेंडम देते रहेंगे, मेमोरेंडम सरकार में रद्दी की टोकरी में जाते रहेंगे और उसका कुछ नहीं होने वाला। मुझे लगता है कि इतना ज्यादा पोटेंशियल है हमारे देश में, हमारे व्यापारियों में, हमारे उद्योगपतियों में, उस पोटेंशियल को आज तक इस्तेमाल नहीं किया गया। अगर पूरे पोटेंशियल को प्रॉपरली इस्तेमाल किया जाए तो मैं समझता हूं कि चमत्कार हो सकता है। तो आज मैं आपको, आपका समर्थन मांगने के लिए नहीं आया, मैं आपको पार्टनर बनाने का न्योता देने के लिए आया हूं। आप हमारी पार्टी में पार्टनर बनिए, आप हमारी सरकार में पार्टनर बनिए। सरकार आप चलाइए, डिसीशन आप लेंगे, हम उन डिसीशंस को इंप्लीमेंट करेंगे। यही हम लोगों ने दिल्ली में किया। हमें नहीं आता, हमें सब कुछ नहीं आता, हम सब कुछ जान के पैदा नहीं हुए। ऐसा नहीं कि मनीष सिसोदिया को सब कुछ शिक्षा में आता था, ऐसा नहीं कि सतेंद्र जैन को हेल्थ के क्षेत्र में, आज उनका नाम हो रहा है पूरे देश के अंदर, मनीष सिसोदिया का शिक्षा में, सतेंद्र जैन का मोहल्ला क्लिनिक और अस्पताल अच्छे कर दिए, और ऐसा नहीं कि हम लोग, हाँ जी, वर्ल्ड के अंदर, ऐसा नहीं कि उनको, हम कोई पैदाइशी सब कुछ आता था, लेकिन जिन लोगों को आता था उनको इज्जत देनी हमें आती थी, हमने उनको इज्जत दी, हमने उनको मान सम्मान दिया, हमने उनको निर्णायक भूमिका में बिठाया, वो हमें बताते थे और हम करते जाते थे। इसी तरह से पंजाब के अंदर अपने को इंडस्ट्री और ट्रेड को इंप्रूव करना है,